तो कैसे आप लोग लोग तब तो Hey guys, welcome back to my channel. तो guys, फिर से लेके आ गया एक ब्रांड न्यू वीडियो। तो guys, जैसा कि आपने टॉपिक में देख लिया होगा, आज हम डिस्ट्रॉइंग म्यूटू को 2 स्टार करने वाले हैं। तो फाइनली मैंने इंटीमेसी उसका 50 कर दिया, मैं आप सभी को दिखा देता हूँ। तो फाइनली guys, मैंने इसका इंटीमेसी 50 कर दिया है, रुको मैं दिखा देता हूँ। तो ये देखो 55 है, जो कि आज मैंने ये वाला यूज़ करा था तो 5 बढ़ गया है। तो गाइज, इससे पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि आप लोग में से बहुत ही लोग ये कह रहे थे कि भाई लुगिया पावर में से आप लोग ये सेली भी ले सकते हो, तो ये इम्पॉसिबल है, लिटरली इम्पॉसिबल है। यहाँ से आप लोग नहीं ले सकते हो, चाहे जो कर लो। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर अगर मैं टैप करता हूँ, तो टैप करने के बाद अगर मैं इसे क्रॉस करता हूँ, सॉरी इधर नहीं आया है, किसी और जगह ऐसे ही होता है। मतलब अगर मैं आई डोंट नो किधर से होता है इस पर, अगर आप ऐसे करोगे और यहाँ से टैप कर करके अगर इसे लेना चाहोगे तो ये नहीं ले सकते हो। यहाँ से आप ड्रैगनाइट लो, ड्रैगनाइट देखो मिल जाएगा 5 वाउचर्स में। उसके बाद ये मिमिक्यू लो, 1 वाउचर मिल जाएगा। यहाँ से ये लो, ये भी 1 वाउचर मिल जाएगा, लेकिन सेलेबी नहीं मिलेगा। आप लोग जितना कर लो एफर्ट, क्योंकि सेलेबी यहाँ से मिलेगा नहीं। सेलेबी सिर्फ और सिर्फ आपको गैचा पॉन से ही मिलेगा और कहीं से नहीं मिलेगा, बस इतना कंफर्म कर देता हूँ मैं। और गाइज, बहुत ही लोग ने ये भी कह रहा था कि भाई एक मिनट, रिसाइकलिंग में वीडियो बनाओ। हाँ, रिसाइकलिंग में वीडियो बनाओ। तो रिसाइकलिंग में वीडियो क्या मैं कल बना दूँ आप सभी के लिए? वो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, छोटा ही वीडियो होगा, तो वो मैं बना दूंगा। तो कैसे रिसाइकलिंग काम करता है, बहुत ही लोग ये कह रहे थे। मेरे पास 2 ग्रॉडन है, 2 लुगिया है, 2 रेक्वाजा है, पर मैं उसे रिसाइकल नहीं कर पा रहा हूँ। तो रिसाइकल कैसे काम करता है वो मैं आप सभी को बता दूंगा। तो सबसे पहला तो मैंने आपको सेलेबी वाला बता दिया, एंड रिसाइकलिंग वाला अगर चाहते हो तो कल मैं वीडियो बना दूंगा। एंड गाइस, एक और बंदे ने ये भी कहा था भाई क्लब इंटेंस को 3 टाइम्स कैसे करें। तो अभी तो मैंने दिखा नहीं सकता हूँ क्योंकि अभी टाइम नहीं है। टाइम 7:15 के बाद ही होता है, आई गेस 7:15 या 7:30 के बाद। तो अभी नहीं कर सकता, पर भी मैं आप सभी को बता देता हूँ। अगर आप जाओगे कोई सा भी मतलब लीडर से आप लोग चैलेंज करोगे, जैसे मैं मिस्टी से चैलेंज करता हूँ, तो गाइज आप लोग देख सकते हो मैं स्वीप कर सकता हूँ, लेकिन स्वीप मैं नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि अभी टाइम नहीं हुआ है। तो जब टाइम होगा तब मैं स्वीप कर लेता हूँ। लेकिन आप लोग का, अगर आप लोग कोई सा भी लीडर से अगर फाइट भी कर लियो तो तब भी आपका 2 टाइम्स ही दिखा रहा होगा, मेरा 3 टाइम्स दिखा रहा है। तो 3 टाइम्स क्यों दिखा रहा है, क्योंकि मैं VIP 6 से ऊपर हूँ। VIP 6 या VIP 7 से अगर आप ऊपर होते हो तो आप 3 टाइम्स स्वीप कर सकते हो, जिससे कि आपका मिशन पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोग VIP 5 से नीचे हो तो मिशन पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा वो मैं आप सभी को बता देता हूँ। तो गाइस, ये प्ले बटन होगा, प्ले बटन को दबना आप लोग। उसके बाद पोकेमॉन्स दिखेंगे, कोई सा भी पोकेमॉन चूज करना, उसके बाद डायरेक्ट जाके क्विट कर देना। तो अगर क्विट कर दोगे तो आपका वो काउंट नहीं होगा, पर यहाँ पर मतलब दो बारी आपका बाकी रहेगा, लेकिन वहाँ पर काउंट हो जाएगा, मतलब मिशंस में काउंट हो जाएगा। वैसे करके आप लोग एक बार बस प्ले करना, उसके बाद क्विट कर देना, उसके बाद फिर 2 बार खेल लेना, आप लोग देखना आप लोग का मिशन हो जाएगा। तो ये इजीली हो जाएगा। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो मैं ट्राई करूँगा कल मैं वीडियो डाल देने का, कल मैं रिसाइकलिंग के साथ उसका भी वीडियो डाल दूंगा। पर जहाँ तक मुझे लगता है समझ आ गया होगा, बहुत ही ईजी है, बस यहाँ से प्ले कर देना और विदाउट एनी मूव, विदाउट अटैकिंग एनी पोकेमॉन आपको बस क्विट कर देना है, उसके बाद आपका मिशन पूरा हो जाएगा। 3 टाइम्स आप बस जाके क्विट भी कर सकते हो, 3 टाइम्स आपका मिशन भी पूरा हो जाएगा, एंड 2 बार एक्स्ट्रा खेल भी सकते हो। तो ऐसे ही होता है, तो ये इजीली हो जाएगा। एंड गाइज, बाकी तो और तो अभी नहीं लग रहा, मेरे किसी ने क्वेश्चन पूछा था। एंड भाई आप लोग जो कर लो, सेलेबी नहीं मिल सकता वहाँ से, सेबली नहीं मिल सकता वहाँ से। अरे यार, मैं हमेशा कन्फ्यूज रहता हूँ। तो सेबली वहाँ से कभी नहीं मिलेगा, आप लोग चाहे जो कर लो। एंड गाइज, फाइनली आप चलते अपने डिस्ट्रॉइंग म्यूटू पे। तो डिस्ट्रॉइंग म्यूटू का मैंने होल सेट ले लिया था, सब कुछ ले लिया था, एंड फिर से इवेंट आ गया। तो भाई फिर से इवेंट आ गया, आप लोग में से बहुत ही लोग बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे होंगे, मतलब कंफ्यूज क्या, दुखी हो रहे होंगे, कितने के पास वाउचर नहीं होगा, लेकिन कितने के पास वाउचर होगा अभी। बस आप लोग के पास अगर वाउचर है तो भाई अभी ले लो ये इवेंट, जिंदगी में फर्स्ट टाइम ऐसा इवेंट दिया है। आई डोंट नो आगे देगा नहीं देगा, बस अभी दिया है, मज़े उठा लो। तो चलो फटाफट गाइज, हम लोग डिस्ट्रॉइंग को 2 स्टार कर लेते हैं। एंड डिस्ट्रॉइंग के बारे में मैं
बहुत ही लोग ये भी बोल रहे थे भाई डिस्ट्रॉइंग को जीरो स्टार में यूज़ करना चाहिए नहीं, तो भाई डिस्ट्रॉइंग का आप लोग देख सकते हो जीरो स्टार में इसका स्पेशल अटैक 155 है, डिफेंस 135 है एंड डिफेंस 135 है एंड स्पेशल डिफेंस 105 है, तो ये सब भी उतना कम नहीं है गाइज, ये भी बहुत ज़्यादा है। एंड स्पीड मत देखना गाइज आप डिस्ट्रॉइंग का, डिस्ट्रॉइंग का यहाँ पर सिर्फ 90 दिखा रहा है, लेकिन अगर आपके पास एक्सक्लूसिव गियर है और इलेक्ट्रिक टेरिटरी इसका मतलब आ ही जाता है, अगर आप लोग इसे मैच में ले जाओगे तो इलेक्ट्रिक टेरिटरी आ जाएगा एंड इलेक्ट्रिक टेरिटरी से आप लोग इसका स्पीड भाई डबल हो जाता है, मतलब समझ सकते हो कि बहुत ही अच्छा इसका स्पीड है, लगभग डबल हो जाता है एंड किसी भी पोकेमोन से पहले आप अटैक कर लोगे इजीली। एंड भाई इसका ये स्पेशल मूव भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, तो यही सब है, आप लोग वन स्टार में भी इसे यूज़ करो लेकिन स्पेशल मूव जैसे भी ले लेना, स्पेशल मूव आप लोग रिडीम भी कर सकते हो यहाँ से, मतलब डायरेक्ट आप लोग यहाँ पर रिप्लेस में जाकर अगर यहाँ पर होगा तो रिडीम भी डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन रिडीम करने से भी ज़्यादा मैं आप सभी को ये बोलूँगा कि अभी भाई इवेंट आया है वहाँ से आप लोग ले लेना, इवेंट से बहुत ही ज़्यादा ईजी रहेगा, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहेगा। एंड गाइज बस इतना ही कहना था। एंड भाई डिस्ट्रॉइंग मीटू जीरो स्टार में भी बहुत ही ज़्यादा औसम है, एक बंदा है 100 लेवल का, वो भाई मतलब 100 लेवल हो के भी डिस्ट्रॉइंग मीटू को जीरो में ही यूज़ कर रहा था, तो भाई जीरो में भी वो बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाई था, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर रहा था। आपको पता है रेगो को जिसने आईडी दिया वही बंदा का मैं बात कर रहा हूँ, वो बंदा अब बाइकिंग्स में है तो वो बहुत ही अच्छा बंदा है, तो उससे मैंने पूछा तो वो बोला भाई जीरो स्टार में भी बहुत ही ज़्यादा औसम है, टू स्टार कर लो तो बात ही अलग है पर जीरो स्टार में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अगर आपके पास जीरो स्टार भी है तो आप लोग ये मत सोचना कि भाई टू स्टार ज़्यादा अच्छा होता है ये वो, भाई जीरो स्टार में भी बहुत ही ज़्यादा औसम है। एंड गाइस फाइनली अब इवॉल्व कर ही देता हूँ, बहुत ही ज़्यादा भाषण दे दिया, तो फाइनली वन स्टार हो चुका है हमारा डिस्ट्रॉइंग म्यूटू। एंड भाई क्या ही बोलूँ, इस डिस्ट्रॉइंग म्यूटू का कितना मैं वेट कर रहा था, कितना ज़्यादा आप सभी को पता है ये बात, मैं पिछली जब मेरा फर्स्ट 95 लेवल वाला आईडी था उसी टाइम से मुझे डिस्ट्रॉइंग मीटू चाहिए था, उसके बाद फिर 100 लेवल का आईडी आया, फिर वो भी उसमें भी नहीं ले पाया, लेकिन अब भाई अब गाइस फाइनली इस आईडी में मैंने डिस्ट्रॉइंग मीटू ले लिया, वो भी टू स्टार कर करके, तो भाई बहुत ही सस्ते में मिल गया यार। जब मैं अगर फर्स्ट टाइम जब आया था तो ये 600 में फुल स्टार होता था, लेकिन अब तो भाई 300 में ही हो गया, मतलब 50% डिस्काउंट में हो गया। एंड फाइनली हमारा डिस्ट्रॉइंग मीटू टू स्टार हो चुका है एंड अभी तक मैं इसे ट्रेन नहीं कराऊंगा, इससे एक जरा भी ट्रेन नहीं कराऊँ, आप देख सकते हो एक ही रेंज दिया वो भी एल दिया है, एल भाई एल डिस्ट्रॉइंग म्यूटू का बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तो एल रेंज मैंने इसे दिया है फिर भी वो भी स्पीड बढ़ा रहा है, तो स्पीड बढ़ा रहा है फिर भी इसका स्पेशल अटैक देखो 12K मैंने लाइक अभी मूव फोकस के वीडियो में बताया था मेरा इतना जल्दी कैसे बढ़ जाता है, तो भाई मेरा प्लेट्स के कारण, प्लेट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, देखो अभी ही 12K हो चुका है एंड इसे मैंने कुछ भी ट्रेन नहीं करा, आप इसका इंटीमेसी देख सकते हो 55 भी है। एंड भाई इसमें बस देख सकते हो स्पेशल अटैक में थोड़ा बहुत बढ़ा दिया हूँ लेकिन ज़्यादा नहीं बढ़ाया हूँ, बस इतना ही है भाई, आप लोग प्लेट्स अपग्रेड करो आपका पोकेमॉन 100% बहुत ही ज़्यादा ऑसम हो जाएगा। एंड चलिए इसे फटाफट प्ले में ले आते हैं एंड फटाफट जाके एक मैच खेल लेते हैं, तो गैरियॉक से ही खेल लेते हैं, तो गैरियॉक को अब तो मैं हरा सकूँगा न्यू पोकेमॉन से, लाइक पहले न्यू पोकेमॉन से नहीं हरा पाता था, इसे मैं थोड़ा सा ट्रेन कराऊं, तो अरे भाई फॉलो नहीं कर रहा, छोड़ो फॉलो नहीं कर रहा, तो गैरियॉक बहुत ही लोग ये भी कह रहे थे भाई गैरियॉक से फाइट करके दिखाओ, तो गैरियॉक से फाइट करके भी आप लोग देख सकते हो बहुत ही ईजी है, अगर आप 100 लेवल पहुंच जाओगे तो गैरियॉक भी उतना मुश्किल नहीं है गाइस, बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो भाई पहला तो इजीली मार दिया है एंड यहाँ पर पहला तो देखो इजीली मार दिया है एंड सेकंड भी इजीली ही मार देगा वो भाई इसका एक्सक्लूसिव मूव बहुत ही ज़्यादा औसम है, क्या ही बोलूँ, एक्सक्लूसिव मूव बहुत ही ज़्यादा औसम है, इवन ग्रोडन को भी इलेक्ट्रिक टाइप मूव कर सकता है, ये इसका एबिलिटी है बहुत ही ज़्यादा अच्छा, इवन अगर ग्रोडन हुआ या फिर ग्राउंड टाइप कोई सा भी पोकेमॉन हुआ तो उसे 50% ज़्यादा से अटैक करता है, तो भाई ये बहुत ही ज़्यादा औसम है। एंड आप लोग देख सकते हो मैं गैरियॉक को ईजिली हरा सक रहा हूं, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं हो रहा है इसे हराने का, चलिए फटाफट मैं इसे हरा देता हूं। एंड भाई डिस्ट्रॉइंग म्यूटू टू स्टार भाई औसम ही लग रहा है, तो इसे हम चार्ज करते हैं, ओ शिट चार्ज तो वो मूव है, कोई बात नहीं, चार्ज में क्या होता है, चार्ज में अपना डिफेंस बढ़ता है, अच्छा ये अटैक थोड़ा कम कर, कोई बात नहीं, चलिए हम इसे थंडर बोल्ट कर लेते हैं, तो थंडर बोल्ट से इजीली मर जाएगा,
एंड और कितने पोकेमोन बाकी है, दो पोकेमोन बाकी है, तो इसे भी हम लोग थंडरबोल्ट ही कर लेते हैं। उसके बाद इसका एक्सक्लूसिव मूव करके गेम को एंड कर देंगे। एंड गाइस, भाई जो भी बोलो यार, डिस्ट्रॉइंग मीटू बहुत ही ज़्यादा ऑसम है। अब जो बोलो, डिस्ट्रॉइंग मीटू बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है डिस्ट्रॉइंग मीटू खेलने से। अगर आप लोग सही से यूज़ कर सको तो डिस्ट्रॉइंग मीटू बहुत ही ज़्यादा ऑसम है। तो एक कॉफ़ी भी मिल गया, बहुत ही सही। तो चलो गाइज, आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। होप आप सभी को समझ में आ गया होगा मैंने आज जो जो समझाया। एंड डिस्ट्रॉइंग मीटू भी ले लिया भाई, ऑसम भाई, डिस्ट्रॉइंग मीटू फाइनली हमारे पास आ चुका है। एंड गाइज, आप लोग समझ ही गए होंगे, मैंने लुगिया पावर का बता दिया। लुगिया पावर में नहीं ले सकते आप सेबली वहाँ से, और कैसे क्लब इंटेंस करते हैं वो भी मैंने बता दिया। अगर आप लोग रिसाइकलिंग में वीडियो चाहते हो तो मैं आप सभी को बना के दे दूँगा कल। तो गाइज, आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो, होप आप सभी को वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि भाई बहुत ही वेट करा मैंने डिस्ट्रॉइंग मीटू का, उसके बाद डिस्ट्रॉइंग मीटू मिला मुझे। एंड गाइज, आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी, होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।